स्वर्गवासी बीरबल। एक दिन बादशाह महल के बुजुर्ग नाई कल्लू भयंकर से अपनी दाढ़ी बनवा रहे थे, पर ये कोई आम नाई नहीं बल्कि बादशाह के स्वर्गवासी पिता के बेहद करीबी व्यक्ति थे। परंतु बड़े मालिक के निधन के बाद उस नाई की हैसियत महल में बेहद कम हो गई थी और बीरबल की बहुत बढ़ गई थी, जिसके कारण वो बीरबल से बेहद चलते थे और हमेशा उससे छुटकारा पाने की योजना बनाते रहते थे। जैसे ही नाई का कार्य समाप्त हुआ, उसने बादशाह को उनका चमकता चेहरा आईने में दिखाया। वाह, बहुत बढ़िया कल्लू जी, इतने साल बीत गए पर आपके हाथों में आज भी वही सफाई है जो हमारे अब्बू के वक्त हुआ करती थी। हमें आज भी याद है, अगर आप महल में मौजूद नहीं होते तो अब्बू तब तक दाढ़ी नहीं बनाते जब तक आप लौट कर ना आ जाए। ये सुन नाई के दिमाग में एक शातिर योजना आई और वो बोले, बिल्कुल छोटे मालिक, आपके पिताजी मुझे हर बात साझा करते थे। इतना ही नहीं, आज भी वे कई बार मेरे सपने में आकर अपना दुख दर्द बताते हैं। क्या हमारे अब्बू जान को किस बात का दुख है भला? वैसे तो कोई गंभीर समस्या नहीं है, पर वे वहाँ स्वर्ग में बेहद उब जाते हैं। उन्हें काफी अकेलापन महसूस होता है। वो तो कई बार कहते हैं कि काश स्वर्ग में उनके मनोरंजन के लिए कोई होता। ये सुन बादशाह अकबर बेचैन हो गए, जिसे देख नाई समझ गए कि तीर निशाने पर लग रहा है और वो बोले, आप चिंता मत कीजिए छोटे मालिक, इस चीज का उपाय भी आपके अब्बू ने दिया है, परंतु वो आसान नहीं होगा। हम अपने अब्बू की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप बस हुक्म दे। वो दरअसल बड़े मालिक ने कहा है, अगर हम किसी मनोरंजक व्यक्ति को कुछ वक्त के लिए स्वर्ग में भेज दे तो बहुत अच्छा होगा, उससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। क्यों, ये कैसे मुमकिन है? क्या कोई स्वर्ग की यात्रा कर वापस आ सकता है भला? किसी आम व्यक्ति के लिए तो ये मुमकिन नहीं, परंतु मैं एक बाबा को जानता हूँ जो इस तंत्र विद्या में माहिर है। बादशाह ने इस पर विचार किया और बोले, ठीक है, परंतु इस कार्य के लिए स्वर्ग किसे भेजना चाहिए वो भी तो जानना जरूरी है। वो सब आप उस तंत्र बाबा के मंत्र पर छोड़ दीजिए। ठीक है, आज शाम को उन्हें दरबार में पेश किया जाए। ये सुन तो कल्लू भयंकर के मन में लड्डू फूटने लगे और वे खुद से बोले, अब तो उस बीरबल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। संध्या के वक्त वो तंत्र बाबा दरबार आ पहुँचे और बोले, अलक निरंजन, अलक निरंजन, प्रणाम बादशाह अकबर, सुना है आपने मुझे याद किया। जी हाँ, वो दरअसल आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं बादशाह अकबर, मैंने अपने अंतर शक्ति से सब जान लिया है। वाह, तो आप ही बताएं, हमारे अब्बू की आत्मा की शांति के लिए हम स्वर्ग किसे भेजें? तंत्र बाबा ने सोच समझ कर अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, ऐसी यात्रा के लिए एक बेहद बुद्धिमान आत्मा की जरूरत पड़ेगी, और जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ ऐसा केवल एक ही व्यक्ति है, बीरबल। क्या, मुझे ही क्यों चुना? अपने सबसे चहीते व्यक्ति को इस कार्य के लिए देख बादशाह बेहद भावुक हो गए, परंतु वो ये भी जानते थे कि उनके पिता का मन केवल बीरबल जैसा व्यक्ति ही बहला सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख इस कार्य के लिए बीरबल से अनुमति मांगी। बीरबल, क्या तुम मेरे अब्बू की आत्मा के शांति के लिए ये कार्य करोगे? बीरबल की तो सांसें ही अटक गई। उन्हें पता था कि इसमें उनकी जान तक जा सकती है, परंतु अब बादशाह के भावनाओं का अपमान भी तो नहीं किया जा सकता।
तभी अचानक उनकी नजर बाबा की मूंछों पर पड़ी, जो एक तरफ से थोड़ी उखड़ी हुई थी। ये देख बीरबल समझ गए कि ये कोई और नहीं बल्कि नाई कल्लू भयंकर है। अब बीरबल को समझ आ गया था कि ये नाई की उसे मारने की योजना है। उन्होंने नम्रता से कहा, जी महाराज, आपके लिए मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा, परंतु मुझे तैयारी करने के लिए कुछ दिन चाहिए। जरूर, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो मैं तुम्हें तैयारी के लिए एक सप्ताह का समय देता हूँ। उस रात बीरबल चिंता में डूबे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस साजिश का तोड़ कैसे निकाले। उन्हें लगा इस बार तो उनके प्राण पखेरु हो ही जाएंगे। वे गंभीर विचार में डूब गए और तभी उनकी नजर घर के भीतर बने एक बिल में घुसते हुए चूहे पर पड़ी, जिसे देख उनके दिमाग में एक योजना आ गई और वो घर के बाहर दौड़ पड़े। योजना अनुसार उन्होंने अपने घर के पास एक खाई खोदना शुरू किया जो उसकी कब्र का काम करेगी, और फिर उन्होंने उस कब्र के अंदर से ठीक किसी चूहे के बिल की तरह एक सुरंग बनाना शुरू किया जो ठीक उनके घर के अंदर कमरे तक जाती। बस आशा करता हूँ कुछ गड़बड़ ना हो, वरना मैं तो हमेशा के लिए स्वर्ग पधार लूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार पहुँचे और बादशाह से कहा, महाराज मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी दो शर्तें हैं। वो शर्तें क्या है? पहली शर्त ये है कि मुझे मेरे घर के पास ही दफनाया जाए। दूसरी, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जीवित ही दफनाया जाए, ताकि मैं जिंदा ही स्वर्ग पहुँचूं और आपके पूज्य पिता का साथ दे सकूं। बादशाह को बात ठीक लगी। उन्होंने तुरंत इन शर्तों को मान लिया और बीरबल को दफनाने की तारीख तय कर दी। आखिर वो कठिन घड़ी आ गई और शर्तों के अनुसार बीरबल को उनके घर के पास की कब्र में दफनाया गया। ये देख अकबर काफी भावुक तो हुए, परंतु उन्हें उम्मीद थी कि तंत्र बाबा के कहे अनुसार बीरबल एक दिन जिंदा लौट आएंगे। विधि पूरी होने के बाद वो सब वहां से चले गए और मौका देख बीरबल आहिस्ता आहिस्ता चुपचाप सुरंग से होते हुए अपने घर के अंदर पहुंच गए। वाह, अब बस करना होगा इंतजार। फिर क्या, अगले 6 महीने तक वो अपने घर के अंदर बंद रहा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहकर खाने पीने का इंतजाम कर लिया था और साथ ही इस राज को बनाए रखने में मदद भी मांगी, जिस कारण वो किसी विधवा की तरह ही बाहर जाती। इस तरह देखते देखते 7 महीने बीत गए और आखिरकार बीरबल लंबी दाढ़ी और बिखरे बाल लिए बाहर निकले और सीधा दरबार की ओर निकल पड़े। दरबार पहुंचते ही उसे देख सब चौंक गए। नाई की तो हालत ही पतली हो गई, पर बादशाह खुशी के मारे फूला न समा पाए। बीरबल, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। जी महाराज, आपके आदेश अनुसार स्वर्ग में मैंने आपके पूज्य पिताजी का खूब मनोरंजन किया और अब वे बेहद खुश हैं। पर क्या? पर जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी दाढ़ी मूंछ बेहद बढ़ चुकी है और यही दशा आपके पिताजी की भी हो चुकी है। इसका कारण ये है कि स्वर्ग में किसी अच्छे नाई की कमी है, और आप तो जानते ही हैं, आपके पिता केवल कल्लू भयंकर से ही दाढ़ी करवाते थे। इसलिए उन्होंने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द कल्लू नाई को स्वर्ग भेज दिया जाए। ये सुन तो कल्लू नाई के पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो समझ गए कि बीरबल की बुद्धि को हराना मुमकिन नहीं, इसलिए वो घुटनों पे आ गिरे और अपना जुल्म कबूलते हुए दया की भीख मांगने लगे। मुझे माफ कर दो मालिक, मैंने जलन के कारण बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। ये देख तो बादशाह बेहद चौंक गए।
उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इतना पुराना सेवक इतना नीचे भी गिर सकता है, परंतु इतनी बड़ी गलती को माफ भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए वो क्रोधित हो बोले, आपने केवल मेरी भावनाओं को ही ठेस नहीं पहुंचाया है, बल्कि बीरबल की जान भी खतरे में डाली है। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। अब से आप शाही दरबारियों की नहीं, काल कोठरी के कैदियों की दाढ़ी बनाओगे। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। फिर क्या, सिपाही उन्हें काल कोठरी ले गए और बादशाह ने बीरबल से अपनी गलती के लिए माफी मांगते हुए उन्हें इनाम में हीरे जवाहरात दिए। और हमने ये सीखा कि बुरा चाहने वालों का बुरा ही होता है।